तो अभी खंजाले भोग रहा है, उनका बॉस चलेगा तो हत्या भी कर देगा और मुझे उसका भी परवाह नहीं है। हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे। उनका सांसद ने कहा ना कि मिट्टी में मिला देंगे, तो हमने तो कहा कि मुझे ये कबूल है, आप समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ, आप हमको मिट्टी में मिला दीजिए, मुझे कबूल है। लेकिन आपका योगी या मोदी जय नहीं बोलेंगे, जय तब बोलेंगे जिस रोज आप आरक्षण लागू कर दीजिएगा। और आरक्षण लागू नहीं होगा तो समय पड़ेगा तो मुर्दाबाद कहेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा समाज और हम उनको मुर्दाबाद बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो उसमें बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और आगे का मुझे कोशिश करता हूँ कि चलाएं, लेकिन लोग इसी तरीके से बेइज्जत करते रहेगा तो मुझे लगता है कि हमें अपना भी एक दुनिया बनाने की आवश्यकता है। जब आज एमएससी की बात हुआ तो दूर कर दिए, मान लीजिए कि गठबंधन से निकाल दिए, हालांकि हम सरकार के साथ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, हमारी सरकार चल रही है। हम एक हिसाब से मान लीजिए कि गठबंधन से हमको और माजी जी को निकाल दिए, बेगर पूछे बेगर बात किए हुए उन्होंने निर्णय ले लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने सहयोगी दल को भरोसे में लेंगे। तो आप सबको पता है कि भरोसे में कब लिया जाता है, जब काम करने से पहले भरोसे में लिया जाता है, काम करने के बाद भरोसे में नहीं लिया जाता, काम करने के बाद भरोसे में वो आदमी लेता है जो हम कहानी में सुनते हैं कि हिटलर हुआ करता था, जो पहले सोच लेता, जो मर्जी होता था वो कर देता था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कोई हिटलर नहीं है और कोई हिटलर को सुनने वाला नहीं है, तो उनको जो उचित लगा उन्होंने निर्णय लिया है। हम अपने निर्णय निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और आगे भी हम चाहते रहें, लेकिन ये चीजें सिर्फ हमारे इधर ही लागू नहीं होता, ये चीज उनके इधर भी लागू होता है कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इस बात को साबित कर दिए, नहीं रखना चाहते दूर कर दिए, तो अभी तो हम 2024 का भी अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं, हम 2024 में क्या राजनीति करेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये मुझे आज नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया है, वो रखेंगे नहीं रखेंगे वो उनके ऊपर है, अभी हमें 2024 में सोचना है कि हमें क्या करना है। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारी पार्टी का एक ही मांग है, एक ही लड़ाई है कि निषाद समाज को अधिकार मिले, उनको आरक्षण मिले, यूपी बिहार झारखंड को आरक्षण मिले। जब बंगाल में दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसके लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, आज आपके साथ जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहा है, वीआईपी पार्टी लड़ रहा है चुनाव, तो आपको किस बात का समस्या है और आप क्यों चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि मुकेश सहनी आपके पीछे पीछे चले। अगर मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं तो आप देश में सरकार है, आपका देश में प्रधानमंत्री आप हैं, आप हमारा निषाद आरक्षण लागू कर दीजिए। जैसे आपने 72 घंटा में सामान्य वर्ग के लोगों का आरक्षण लागू कर दिया, तो क्या निषाद का बेटा आपको गरीब नजर नहीं आता है, जो 1-2 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति आपको गरीब नजर नहीं आ रहा, आपने सामान्य वर्ग में 8 लाख कमाने वाले को आपने गरीब मानकर उसका आरक्षण दिया। मैं ये नहीं कभी किसी का विरोध करता हूँ कि क्यों आरक्षण दिया, आपने जो दिया वो दिया, आपको लगता है कि गरीब है तो आपने दिया, देश के और राज्य के खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए और आप जो किया मैंने मुझे लगता है कि आपने सही किया। लेकिन निषाद मछुआरा का बेटा भी तो देश में गरीब है, उनके लिए भी हक अधिकार के लिए उसके भी आरक्षण को व्यवस्था आगे को करना है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।